भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना से पहले जिला जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट वाली घटना सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला जेल में 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जिला जेल में बने स्ट्रांग रूम पर 200 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है, जो कि अलग अलग शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इस बार 42 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र में मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे से जिला जेल में शुरू की जाएगी, जिसके चलते प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहाँ पर मतगणना के लिए लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जिससे हर राउंड के मतों की गिनती प्रत्याशी, प्रतिनिधि सहित अन्य को आसानी से सुनाई दे सके। मतगणना के दिन जिला जेल और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से छावनी में बदल जाएगा। यहाँ लगभग 1500 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। 3 दिसंबर को जो मतगणना ओल्ड जेल परिसर में स्ट्रांग रूम में होने वाली है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था बड़े व्यापक पैमाने पर लगाई गई है। इसको हमने 3 स्तरीय 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई है। सबसे बाहर जो जेल का मेन गेट है, उसके बाहर क्राउड कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बल और बैरिकेड्स पे फोर्स रहेगा। इसके बाद में जो लोग अंदर पॉलिटिकल जो काउंटिंग में भाग लेने वाले एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और मतगणना में भाग लेने वाले कर्मचारी, मीडिया कर्मी, ये जो अंदर आएंगे, इनकी बकायदा फिस्किंग के बाद में बारीकी से जांच के बाद इनको अंदर प्रवेश इनके प्राधिकार पत्र के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे लेयर जो है वो जेल की जो बाउंड्री है वहाँ पर रहेगी। तीसरी जो व्यवस्था है वो अंदर लगाई गई है, जो कि स्ट्रांग रूम से मत ईवीएम जो है वो काउंटिंग वाली जगह तक जाने के लिए वहाँ पर किसी और के प्रवेश निषेध रहेगा। वहाँ पर सीएपीएफ का बल तैनात किया गया है, जो ईवीएम को गार्ड करते हुए काउंटिंग प्लेस तक ले जाए। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गजट मोबाइल जो है वो मतगणना स्थल पर प्रतिबंधित है। ये इसका सभी जगह बाकायदा आप लोगों के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है, फोर्स को भी ब्रीफ कर दिया गया है कि ये जो है वो अंदर अलाउ नहीं रहेगा। स्मार्ट वॉच और इनके लिए कैसी निगरानी? स्मार्ट वॉच को भी हम जो है वो हमने पहले से जो है सभी को हम प्रेस में भी ये बात दे रहे हैं कि गजेट्स, स्मार्ट वॉच, गजेट्स, मोबाइल, ये जो है वो उस दिन आप लाने से बचें, क्योंकि इनको हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे। मीडिया कर्मियों का जो मोबाइल है वो मीडिया हाउस जो एक बनाया जा रहा है वहां तक अलाउ रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।